करणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। लाइव सिटीज में आप सभी के ज्ञान वृद्धि हेतु और जो शास्त्रों में पुराणों में जीवन शैली निर्देशित किया गया है उससे विज्ञ करने के लिए यह आवश्यक है जानना कि जो कौन सा कार्य मेरे लिए करणीय है और जिसके करने से हमारी सर्व प्रकार की वृद्धि हो सकती है। अभी 12 महीने में श्रावण का एक महीना ऐसा होता है जिसमें अगर शिव आराधना की जाए तो वह शिव आराधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत कल्प वृक्ष की तरह फल देने वाला होता है। श्रावण की विशिष्टता क्यों बताई गई? श्रावण महीने में सूर्य कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का समन्वय इस महीने में होता है। वेद के अनुसार कहा, सूर्य आत्मा जगतस्थुकस्य, सूर्य संसार की आत्मा है और चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा जो है वह मन है, सूर्य ही प्राण का स्रोत है। प्राण और मन में जब समन्वय होता है तभी सत्संकल्प उत्पन्न होते हैं। जब सत्संकल्प उत्पन्न होता है तो सत्कार्य करने की प्रेरणा होती है और सत्कार्य करने की जब प्रेरणा होती है तभी उसके संकल्प की पूर्ति होती है और उसके मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति होती है। तो मनोनुकूल प्राप्ति करना यह प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। तो सात्विक वृत्ति से सात्विक कार्य में सात्विक लाभ प्राप्त करने के लिए श्रावण उत्तमोत्तम है। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है, कल्याण करने वाला जो है उस देवता का नाम शिव है। चंद्रमा शिव के ललाट पर होते हैं और यह जो राशि है इसके स्वामी भी चंद्रमा है, इसलिए भगवान शिव और चंद्रमा में तादात्म्य संबंध है। तो चंद्र राशि पर सूर्य आने के कारण और शास्त्रों में बताया गया कि शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं है, उभयोरंतरम नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च, शिव और सूर्य में कोई तात्विक अंतर नहीं है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा की एक साथ उपासना करने से व्यक्ति के मन और प्राण इन दोनों की शुद्धि होती है और उसमें अपने संकल्प करने के जो विशिष्ट ऊर्जा है, विशिष्ट शक्ति जो है, विशिष्ट चेतना जो है, विशिष्ट बुद्धि जो है, उसकी वृद्धि होती है। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना बताया गया और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय में भगवान शिव को मात्र जल देकर ही प्रसन्न किया जा सकता है और जल सदैव सर्वत्र सर्वसुलभ है। उसका आश्रय लेकर के भगवान शिव की जब आराधना करते हैं, शिव का जब पूजन करते हैं श्रावण मास में, तो निश्चय ही उसके समस्त संकल्पों की पूर्ति होती है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। कहा क्या क्या प्राप्त होता है? कहा कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, जो हाथ से पैर से मन से वचन से श्रवण से और देखने से इन सबों से जो विकार उत्पन्न होता है, पाप उत्पन्न होता है, यह पाप सहजता से ही करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहित मविहितं वा, विहित और अविहित ये जितने कर्म के दोष हैं यह समस्त दोष से मुक्त होकर व्यक्ति शुद्ध चैतन्य और सात्विक हो जाता है।
और भगवान के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है, आध्यात्मिक बल मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, धन धान्य इन सब की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस चैनल को अगर ये वीडियो पसंद आवे तो इसको सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो जो कैप्शन में नंबर दिए गए हैं उसे संपर्क करें, आपके समस्त शंकाओं का समाधान वहाँ से प्राप्त हो जाएगा।